नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। गणेश चतुर्थी की मुजफ्फरनगर में धूम, भव्य शोभा यात्रा का मंत्री ने किया शुभारंभ। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में आज भगवान गणेश जी महाराज के गणेश चतुर्थी का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। गणेश धाम मंदिर में आज भव्य पूजन महाआरती के बाद शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें राज्य मंत्री यूपी सरकार कपिल देव अग्रवाल ने भगवान गणेश जी की महाआरती कर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मंदिर कमेटी द्वारा शोभा यात्रा में दर्जनों बैंड, झांकी और मां गंगा के अवतरण की स्पेशल झांकी के रूप में आज शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से शुभारंभ हुई। मैं अनिल गोयल, मंत्री गणपति धाम मंदिर परिवार जी। गणोत्सव आज भगवान श्री गणपति महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ श्री गणपति ट्रस्ट समिति परिवार द्वारा मनाया जा रहा है और इसमें संपूर्ण नगर का सहयोग जो है वो गणपति धाम मंदिर को मिला है, जो इस रथ यात्रा महोत्सव को और भी अच्छा और सुंदर मनमोहक बना रहे हैं। इस यात्रा में 5 बैंड हैं हमारे पास में, 1 ताशे वाले हैं, 2 ढोल वाले हैं। ये नगर के पूरे मुख्य मार्गों से होते हुए नवीन मंडी स्थल से गुजरेगी, वहाँ से मनीम कॉलोनी, मनीम कॉलोनी से डाखन्ना, डाखन्ना से फिर गौशाला रोड और पुरानी गुड़ मंडी में को होते हुए पीठ बाजार, पीठ बाजार से गौशाला रोड पर आएगी, वहाँ से फिर भोपाल रोड के पुल से गांधी कॉलोनी के लिए प्रस्थान करेगी। ये अब की बार विशेष रखा गया है गणपति धाम मंदिर द्वारा। ये देखने में आया है कि शहर के जितने भी लोग और जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो ये शाम को वहाँ पहुँचती है और वो बंद हो जाती हैं दुकानें उनकी, उसकी अंधेरे की वजह से, लेट होने की वजह से मार्केट बंद होती है, तो इसलिए इसको चेंज किया गया है। अब की बार नगर में नई मंडी के सभी मार्गों से गुजरेगी और गांधी कॉलोनी लक्ष्मी नारायण मंदिर से रिटर्न आएगी।